विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में पहली बार पारदर्शी और आधुनिक ऑनलाइन प्रणाली से गेहूं का उठान कार्य किया जा रहा है। इस प्रणाली में जैसे ही व्यापारी क्लिक करता है तो ऑनलाइन प्रणाली से ट्रांसपोर्टेशन की एजेंसी के पास रेडी टू लिफ्ट का संदेश पहुंच जाता है। इस संदेश के पहुंचने के बाद गेहूं का उठान कार्य तुरंत किया जा रहा है। इस प्रणाली से उठान कार्य पूर्णतः पारदर्शी हो गया है और अब व्यापारियों को किसी प्रकार का नजराना देने की जरूरत नहीं पड़ रही। इस प्रणाली से किसानों के खाते में 72 घंटे के अंदर अंदर फसल का पैसा जमा करवा दिया जाएगा। इस सीजन में किसी भी किसान, व्यापारी और मजदूर को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अगर किसी अधिकारी व कर्मचारी ने लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे आज थानेसर अनाज मंडी का औचक निरीक्षण कर रहे थे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। इससे पहले विधायक सुभाष सुधा ने मंडी में पहुंचकर गेहूं की ढेरियों का जायजा लिया और बारह की से खरीद कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान विधायक ने व्यापारियों, किसानों और मजदूरों से उनकी समस्याओं को जाना और मंडियों में चल रही खरीद के बारे में फीडबैक भी ली। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार किसानी और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से रबी खरीद सीजन 2021-22 शुरू हो चुका है। इस सीजन के दौरान किसानों को दिए जाने वाले भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। यदि भुगतान में देरी होती है तो लगभग 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। ये भुगतान सीधा किसानों के सत्यापित बैंक खातों में जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से सभी मंडियों और खरीद केंद्रों में किसानों, व्यापारी और मजदूरों के हितों को ध्यान में देखते हुए गेहूं खरीद कार्य के लिए हर प्रकार के बंदोबस्त किए गए हैं। सभी अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर मंडियों और खरीद केंद्रों पर किसानों और व्यापारियों को रत्ती भर भी दिक्कत न आए। अगर कहीं भी कोई कमी है तो उसे तुरंत प्रभाव से दूर किया जाए। इस सीजन में ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को एक निर्धारित समय अवधि के भीतर उनकी खरीदी गई उपज का भुगतान प्राप्त हो सके। इसके लिए जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने मंडियों में आई फार्म जारी करने होने के 72 घंटों के भीतर किसानों के खातों में सीधे पैसा भेजने का फैसला किया है। यदि किसी कारण से किसानों का पैसा उनके सत्यापित खातों में समय पर नहीं जाता तो उन्हें 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस सीजन में लोडिंग और अनलोडिंग पर विशेष फोकस रखा जाए ताकि मंडियों में गेहूं खरीद के बाद उठान कार्य संभव हो सके और संबंधित ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय अवधि में ही कार्य पूरा हो सके। यदि इस बार आवश्यकता हुई तो खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। फसल के समय पर उठान खरीद प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आढ़ती या किसानों की किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। खरीद प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक हितधारक जैसे किसान, आढ़ती, मार्केटिंग बोर्ड, ट्रांसपोर्टर्स और बैंक आदि के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है और पूरे खरीद केंद्र के दौरान इन SOP के कार्यान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा खरीद संचालन में लगे लोगों के स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है। मंडी के प्रधान दयाल चंद ने व्यापारियों की तरफ से राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पहली बार गेहूं उठान कार्य को लेकर ठेकेदार को नजराना देने की जरूरत नहीं पड़ी है। इससे पहले ठेकेदार को नजराना देकर ही गेहूं का उठान कार्य करवाना पड़ता था। इस बार सरकार की तरफ से खरीद और उठान के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पल्लेदार एसोसिएशन से रामफल ने भी लिफ्टिंग और अनलोडिंग के कार्य को पारदर्शी बनाने पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस बार खरीद का कार्य पूर्ण पारदर्शिता के साथ चल रहा है और मंडियों के सभी प्रकार के पुख्ता प्रबंध मंडियों में किए गए हैं। इस मौके पर मुकुंद सुधा, मंडी के सचिव हरजीत सिंह, शशि जैन, काका सुधा, धर्मपाल, आशु, संजय राणा, अजमेर सिंह आदि उपस्थित थे। आज मेरे को क्षेत्र अनाज मंडी में जाने का अवसर मिला। अनाज मंडी के अंदर गेहूँ मौजूद आई हुई थी जिसमें किसान भी आए हुए थे। किसानों से भी वहाँ मंडी में गया, किसानों से मिला। मजदूर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से मैंने बातचीत करी, आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान से मैंने बात करी, तो सब लोगों के लगभग हमने वहाँ पर व्यूज दिए और आढ़ती बहुत खुश था। जिस प्रकार से अभी इसको क्लिक करना पड़ता है रेडी टू लिफ्ट, ये सबसे बढ़िया काम किया गवर्नमेंट ने, जिसके तहत पहले जो गाड़ी उठाने के 500 रुपये पर गाड़ी मंडी से दिया करते थे, अब एक पैसा भी रिश्वत नहीं देनी पड़ रही। मैंने उसके साथ साथ बारदाना पूछा, मंडी में बारदाना प्रॉपर वे से मिल रहा है। लेबर के बारे में लेबर यूनियन के प्रधान से बात हुई, वो भी बहुत खुश था कि इस प्रकार से हरियाणा सरकार ने हमारी लेबर बढ़ा दी। तो बहुत सी चीज़ें आई है मंडी के जो बेनिफिट के लिए, तो मैं आज वहाँ गया। मैंने तभी और भी पूछा किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट हो, तो लोगों ने अपना बताया कि किसी प्रकार की भी कोई हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। तो बड़ी अच्छी मंडी के अंदर लिफ्टिंग हुई है। मेरी किसान भाइयों से भी बात हुई, मजदूरों से भी बात हुई, आढ़तियों से भी बात हुई, हमारी मंडी के शक्ति।